नमस्कार, मैं मनोज पंडित, कार्टूनिस्ट और फिल्म अभिनेता, आपके क्षेत्रीय टीवी चैनल बिंदास चैनल, बिंदास न्यूज चैनल बहुत बढ़िया है। और मैं चाहूँगा, सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूँ कि इस चैनल को देखें। ये हर दिन नए नए खबर, नई चीज़ें, नई पेशकश आपके सामने दिखाते रहेंगे। और आप लोग देखें, दिखाएं और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और इस चैनल को उपलब्धि दें। और जितना आगे बढ़ाएंगे, गढ़वा का, क्षेत्र का नाम होगा। धन्यवाद, धन्यवाद। अपने देश में या हिंदी फिल्म हो या भोजपुरी, लगातार बन रही है कई विषयों पर। लेकिन आज जब जो इस फिल्म की हम चर्चा करने जा रहे हैं, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उसका विषय बहुत ही सारगर्भित है। इस फिल्म का नाम है सफाईबाज। हम आपको पहले पोस्टर दिखाना चाहेंगे। इस फिल्म का प्रमोशन आज गढ़वा में हो रहा है। आप देख रहे होंगे सफाईबाज लिखा हुआ है। इसमें रवि किशन जी हैं, राजपाल यादव जी हैं, और हिंदी फिल्म के कई कलाकार, जॉनी लीबर और उपासना सिंह को आप देख रहे होंगे पोस्टर में। तो सारे बड़े कलाकारों के साथ सजी हुई यह फिल्म है सफाईबाज। इसका प्रमोशन आज गढ़वा में हो रहा है। इसमें गढ़वा के कलाकार, जिसने अपनी शुरुआत गढ़वा से की थी, बचपन जिनका गढ़वा में गुजरा, वो भी इस फिल्म में लीड रोल में हैं। मनोज पंडित जी, वो भी हमारे साथ हैं। उनकी पत्नी जो सहयोग कर रही हैं इस फिल्म में, वो भी हैं। प्रमोशन का जिन्होंने जिम्मा लिया यहाँ पर, दया जी, जिनके द्वारा प्रतिघात फिल्म गढ़वा में ही बनाया गया था, वो भी हमारे, सारी बात हम करेंगे। लेकिन पहले हम सफाईबाज के बारे में बता दें। सफाईबाज फिल्म का कहानी जो शीर्षक है, वो यह है कि जो गटर में काम किया करते हैं, जो मजदूरी किया करते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे होती है, वह किस तरह अपना जीवन बसर करते हैं, उनके बारे में सरकार द्वारा कितना सोचा गया है, किस हालात से गुजरते हैं, विषम हालात होता है उनके साथ, उस सारा चीज़ उसमें फिल्माया गया है। सारे दृश्य उसमें आपको देखने को मिलेंगे। ज़्यादा फिल्म के बारे में नहीं बताया जाना चाहिए, क्योंकि फिल्म आप देखें। हमारे साथ मनोज जी हैं। तो इसमें सफाईबाज, इस शीर्षक जो चुने आपके डायरेक्टर जो हैं अवनीश सिंह जी, डॉक्टर अवनीश सिंह जी, सफाईबाज क्यों? एक्चुअली डॉक्टर अवनीश सिंह जी भारत सरकार के श्रम और मंत्रालय डिपार्टमेंट में महानिदेशक, रिटायरमेंट लिया और इनके लिए काम करते रहे, तो आज तक किसी ने ऐसे सब्जेक्ट को उठाया नहीं जो कभी कोई गरीब और एक ऐसे जो समाज के सबसे निचले हम लोग कहते हैं वर्ग को, वो आखिर अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं, गटर में सफाई करते वो मर भी जाते हैं, उसके बाद उनकी जीवन क्या होती है, किसी ने ध्यान नहीं दिया, कोई सोचता भी नहीं है। तो ये डॉक्टर अवनीश सिंह जी ने कोशिश की है कि इनके जीवन को हमारे बीच लाएँ, दर्शकों के बीच लाएँ, और थोड़ी सी ध्यान सरकार तो कोशिश कर ही रही है अच्छे काम करने की, लेकिन उसमें टेक्निकली कहाँ फॉल्ट है, कहाँ पे ज़रूरत और है टेक्निकली और भी चीज़ों को देने की, जैसे सफाई कर्मियों के लिए कुछ विदेशों में तो बहुत तरीके की चीज़ें हैं, उपलब्ध हैं, पर अपने देश में नहीं है। तो इससे ध्यान आकर्षित करने के लिए सफाईबाज सब्जेक्ट इसलिए कि जो सफाई कर्मी सफाई करते हैं वो सफाई, चूँकि अगर वो एक दिन बिना सफाई करें ना तो हम लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, इसलिए इस फिल्म का नाम ही रखा। चूँकि झाड़ू है, कुदाल होता है, वो लकड़ी का जो सरपट्टा या क्या कहते वो होता है, रस्सी होता है, कुदाल, ये उनकी मुख्य हथियार होते हैं, वो उसी से हमारी गंदगी को सफाई करते हैं। सरकार सफाई की बात जब हो रही है, सफाईबाज फिल्म की जब बात हो रही है, तो अपने देश में छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर पर सफाई की बात चल रही है, स्वच्छता अभियान की बात चल रही है, लेकिन जिनके द्वारा सफाई किया जाता है जी, उनकी स्थिति क्या है,
इसे फिल्म में दर्शाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि मैं इस फिल्म में एक ठेकेदार, भ्रष्ट ठेकेदार के करेक्टर में हूँ, नगर निगम या म्यूनिसपल्टी कहा जाए, तो वहाँ पे जो मेरा जो करेक्टर है वो है कि लेबरों के साथ भी हमारा बड़ा अच्छा संबंध है, सरकार से भी संबंध है, चूँकि सैलरी चाहिए हमें भी, और जो लेबर हैं लेबर से काम चाहिए, तो वो काम इस गंदगी में कैसे करेंगे, तो उनको मैं शराब का बोतल भी पेश करता हूँ, ले पी ले, और वो पी के गटर के अंदर जाते हैं, मर भी जाते हैं। अच्छा, उनके घर भी जाता हूँ मैं, तो अपनी पत्नी को भी समझा के रखता हूँ, अपनी पत्नी को भी प्यार में रखता हूँ, और उनके बहू बेटियों पर भी मेरी नज़र रहती है, अच्छे नज़र नहीं, गंदे ही रहते हैं। तो ये जो एक पृष्ठभूमि है जो नॉर्मली होता है, जो वर्तमान में गुजर भी रहा है, जी जो वर्तमान में गुजर रहा है, उस चीज़ को इसमें दर्शाया गया। मेरा जो करेक्टर था वो मैंने बताया, ऐसे ही राजपाल जी जो हैं वो इसी मेन गटर सफाई करने वाले का करेक्टर में है, और हमारे जॉनी लिवर साहब हैं वो कॉमेडी कर रहे हैं इसमें, लेक्चरर हैं, और उपासना सिंह जी हैं, चूँकि इन लोग को कॉमेडी किंग हैं ये लोग, तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस सीरियस सब्जेक्ट में जब भी ये आए दर्शकों को हंसाएं, हंसाने की कोशिश किया है, लेकिन सफाई बात से संबंधित चीज़ों को लेकर ही। तो ये एक अपने आप में रोचक सब्जेक्ट है, और इन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी की कमाई लगा दी सफाई बाज में, क्योंकि देश को एक मैसेज देना चाह रहे हैं, और ये 4 तारीख को जो सुरक्षा दिवस है उस पर इस पोस्टर को, सबसे बड़ी चीज़ है कि गढ़वा ऐसे जगह में हमारे दया शंकर भैया जो हैं, जिन्होंने मुझे लेके एक फिल्म बनाई थी, उन्होंने देखा भी उस फिल्म को, और राणा जी के नाम से भी बुलाते रहे, क्योंकि अब राणा नहीं हो, अब ठेकेदार हुआ। तो जब दया भैया से बातचीत हुई हमारी, उन्होंने बिल्कुल मैं प्रमोशन करूँगा, और मैडम ने, हमारी वाइफ अनिता पंडित ने उनको बोला, और आज हम लोग इसके प्रमोशन में ये 4 तारीख जो सेफ्टी दिवस है उसके उपलक्ष पे आज किया गया। बात फिल्म की हो गई, हम व्यक्तिगत रूप से आपकी बात करेंगे। सड़क पर किसी के पार्टियों में, किसी के शादियों में नाचने वाला शख्स आज फिल्म में नाचा और लीड रोल तक पहुंचा, क्या कभी कल्पना की थी आपने? जी नहीं, कभी नहीं किया था। एक्चुअली मैं पटना आर्ट्स कॉलेज से BFA किया, BFA करने के बाद फिर मैं पेंटिंग करता था, कार्टून बनाता था। हाँ, कार्टून के जगत में मैं एक शिखर तक पहुंचा, फिर मैं एक प्राइवेट स्कूल, क्या कहें, एनिमेशन संस्थान में ड्राइंग टीचर हुआ, वहाँ से भी एक ऊंचाई को पकड़ा, फिर मैं गवर्नमेंट जॉब भी किया, वो रिजाइन कर दिया, वो इसलिए किया कि मुझे अभिनय करना था, पर ये नहीं सोचा था कि ये जितने महानायक हैं जिनको देख के मैं बड़ा हुआ, गुरु द्रोणाचार्य को देख कर मैं बड़ा हुआ, और मैं उनके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा, ये सोचा ही नहीं था कभी। बचपन में इनकी चीज़ों को देखा करता था, जब ये मिले तो मैं बोला कि सर आपको देखकर तो मैं बड़ा हुआ हूँ, तो कोई बात नहीं है, मुझे देखकर बूढ़ा भी हो जाना, चल मेरे साथ काम कर। तो वो बड़े खुश हुए इस बात को, इनके साथ एक एड फिल्म भी किया हूँ मैं, तो ये सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा। अब आप जब मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तो आप एक बात कहे थे कि अभी भी लाख भोजपुरी फिल्म हो या हिंदी फिल्म में कई तरह की बात सामने भी आती हैं लगातार, भेदभाव। जी, भेदभाव अभी भी है जी, छोटे कलाकार जो छोटे जगहों से आते हैं उनको बड़े कलाकारों द्वारा तरजीह नहीं दी जाती नहीं, है। ऐसे भी बड़े कलाकार हैं जिनके द्वारा तरजीह दी जाती है, वैल्यू दी जाती है, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है, लेकिन अभी जो फिलहाल आपके साथ गुजरा शूटिंग के दौरान, संक्षेप में बताना चाहेंगे क्या? ऐसा है, जो बड़े कलाकार हो गए, देखिए मैं स्पष्ट रूप से बता रहा, जो बड़े कलाकार हो गए वो कभी भेदभाव नहीं रखते हैं, कभी नहीं रखते, लेकिन जो समकक्ष हैं, जैसे मैं हूँ, हमारे आसपास हैं या मेरे से ऊपर हों या मेरे से थोड़े नीचे हों या थोड़े ऊपर हों, वो भेदभाव रखते हैं। क्षेत्रवाद है कि मैं मुंबई में हूँ या मैं अमेरिका में काम कर रहा हूँ, ये छोटे जगह से आ रहा है, इससे बात मत करो, इसको नज़रअंदाज करो। सपोज करो मैं गढ़वा से आके पहुँच गया दिल्ली, तो अरे गढ़वा से आया क्या है यार, अब दिल्ली से मुंबई चला गया, अरे यार ABCD तुमको नहीं पता, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन जो बड़े ऑलरेडी हो जाते हैं, जैसे रवि किशन जी हैं या राजपाल यादव हैं या जितने भी बड़े कलाकार, इन लोगों ने एक बार भी भेदभाव वाली बात नहीं की, ये और सपोर्ट किया इन्होंने, कहा वाह बेटा क्या बात है, क्या काम कर रहे हो, आगे बढ़ो, ज़रूरत हो तो तुम लोग आओ मेरे पास। लेकिन अगर समकक्ष हैं तो वो एड्रेस भी नहीं देते, बोलते भी नहीं, मैं तो नहीं रहता हूँ यार, मैं तो कभी नहीं रहता, इस तरीके से चीज़ें होती हैं, ये नॉर्मली होती हैं।
तो वो आज भी है। तो इसलिए मैं बताया, और यहाँ भी शूटिंग चल रही है, यहाँ भी कुछ मुंबई से आया, तो उन्होंने इतना शब्द बोल दिया, अरे यार दिल्ली का कलाकार घटिया होता है, ये शब्द बोलने की क्या ज़रूरत थी। कलाकार तो तब से हो जाता है जब वो जन्म लेता है और पहली बार जब कला पेश करता है उसी दिन वो कलाकार हो गया। नेशनल है, इंटरनेशनल है, वो तो बात की चीज़ है, वो आप और दर्शक बनाते हैं। एक कलाकार वही चीज़ होता है, चाहे बड़े हों या छोटे हों, वो भी वही स्क्रिप्ट बोलता है। जो छोटा बोलता है वही स्क्रिप्ट को बड़ा कलाकार भी बोलता है। आपके नोएडा में, आप दिल्ली से आते हैं और दिल्ली में फिल्म सिटी का निर्माण होने जा रहा है, तो कितना फ़ायदेमंद होगा है कलाकारों जो मुंबई जाकर जाते थे वहाँ पर शूट करते थे, अपने दिल्ली में होगा, अपने यूपी में होगा? जी, ऐसा है कि जो मुंबई जो जाते हैं कलाकार, एक तो मुंबई की अपनी जो आवा हवा है और जो खर्चीला शहर है उससे थोड़ी सी बचत तो होगी, और फाइटिंग स्टेज जो होता है उससे जब फिल्म निर्माता यहाँ आएंगे, नोएडा में आएंगे, नोएडा के आसपास, यूपी के आसपास में करेंगे, तो उनको ये जो इस क्षेत्र के लोग वहाँ जा के जो फाइट कर रहे हैं, किराए पे कमरा लेते हैं, खाना नहीं ढंग का मिलता, जो भी है, जो जिसके पास जो अपनी लेवल होते, उससे बचेंगे और अपने घर के आसपास 200, 400, 500 किलोमीटर रनिंग कंडीशन में होंगे, तो जब भी कुछ हो, माता पिता भी याद आए, भाई बहन भी याद आए, जो सपोर्टर्स याद आए, उनके साथ उनको सपोर्ट ईजिली मिल सकता है। तो ये एक ग्रेटर नोएडा में जो फिल्म सिटी बनने का है, तो ये एक बहुत बहुत ही सराहनीय ही नहीं, बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है इसमें नए कलाकारों को। मैं 21 साल से फाइट कर रहा हूँ, अब तो बूढ़ा होने को जा रहा हूँ, अब जवानी का रोल मिल रहा है, लेकिन मैं अपने आप को महसूस करा रहा हूँ कि मैं यंग हूँ, लेकिन अंदर से तो शरीर यंग नहीं है ना, दिख रहा हूँ मेकअप के द्वारा यंग दिखता हूँ, लेकिन अगर देखा जाए एनर्जी तो वो वाला नहीं है जो आज से 25 साल पहले थी। वो जो फाइट करने में जो गया, तो नए कलाकारों को इतना फाइट नहीं करना पड़ेगा। चलो कम पैसे मिलेंगे तब भी उसको जगह मिल जाएगा। वहाँ पे दिक्कत क्या है, वहाँ पे दिक्कत है कि आप या तो एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो, या फिर आपके साथ कोई सोर्स होता हो, या फिर कोई पीछे से बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, तो आपको एक आध बार खड़े होने का मिल जाएगा। फिर मतलब आपके मुंबई में गॉडफादर का होना जरूरी है, जरूरी। दिल्ली में अपना जब फिल्म सिटी होगा तो कलाकार जो हैं, जो मेहनत करते हैं, उनकी कला उभरेगी उभरेगी, और ये उभरी है। खुद मैं ही देखिए, मुंबई गया नहीं, मैं इस फिल्म में हूँ, इन्होंने प्रतिघात देखी है, हमारे फिल्मों को देखी, कह यार धांसू है, चलो इसको ले आओ, और उन्होंने लाया। तो ये तो प्रोड्यूसर साहब की मानता है कि मेरे जैसे कलाकार को अपने बड़े बैनर में लेके आए और मुझे फेस वैल्यू दिया और पोस्टर पे जगह दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, उनकी धर्मपत्नी नीता जी भी हैं। किस तरह फिल्म को आप सहयोग कर रही हैं, आपके पास जब प्रोजेक्ट आया तो उस समय किस तरह फिल्म को समझी, आप इसके विषय को समझी, बताना चाहेंगे संक्षेप? हाँ, मैं ये बताना चाह रही थी कि जैसे मैं फिल्म के बारे में तो मैं उतना नहीं जा रही थी, जब इनके साथ शूटिंग करने गई तो इन्होंने कुछ फिल्म के बारे में बताया मुझे, तो वहाँ मैं कई फिल्म के हस्तियों से, लोगों से मिली, इंटरेक्ट हुई, तो वहाँ से पता चला कि ये तो एकदम टॉपिक ही अलग है, ये तो समाज में ये देने वाला दिशा, हाँ एक नई दिशा देने वाला टॉपिक है। तो मैं सोची कि अब हम लोग जैसे लोग ही उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये फिल्म, अगर हम जैसे लोग सपोर्ट करेंगे तो ये फिल्में कितनी आगे बढ़ेगी, इसलिए मैंने ये अंदर से ही एकदम एक बना लिया, मन बना लिया और एक एम बना लिया कि नहीं, इस फिल्म को मुझे पूरे दिल से, इस फिल्म को मुझे सपोर्ट करना है, और जहाँ भी मैं जाऊँ वहाँ से कोशिश करनी है कि जैसे मैं अभी गढ़वा आई तो मैंने सर से बात की, दयाशंकर भैया जी जो हैं, जो प्रतिघात फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, उनसे बात करी, तो वो एकदम तैयार हो गए कि नहीं मैं सपोर्ट, मैं आपको ये प्रमोशन करने के लिए तैयार हो गए। तो फिर मैंने ये बात बोला उनको कि नहीं चल, वहाँ प्रोड्यूसर से ही बात की, तो मैं इन बोला कि नहीं आप यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, तब उन्होंने स्पेशली यहाँ झारखंड के लिए ये पोस्टर स्पेशली उन्होंने बनवाया है, और बहुत ज़्यादा मतलब मैं भैया का बहुत ज़्यादा हार दिल से एकदम शुक्रिया करती हूँ कि आपने हम लोगों को सपोर्ट किया, और वहाँ प्रोड्यूसर को भी मतलब डॉक्टर अमनीश सिंह जी को भी बोल, ये मतलब मेरा हार्दिक अभिनंदन है कि मतलब आपने इनको सर मतलब दया सर भैया को कि आपने ये बोला कि नहीं आप स्पेशली उन्होंने पोस्टर बनाए, तो मतलब मैं
मेरे मतलब दिल से मैं मतलब क्या बोलूँ, मतलब मुझे एकदम अंदर से बहुत खुशी है कि मतलब एक फिल्म, एक ऐसी समाज को दिशा देने वाली फिल्म जो समाज को, यहाँ के लोग भी इस फिल्म के बारे में जाने, लोगों को भी पता चले कि लोग मतलब कि ये एक ऐसे एक पर्सन है डॉक्टर अवनीश सिंह जी जो एक मतलब मार्मिनिश टॉपिक को समाज के बीच में ला रहे हैं, आप लोगों के बीच में ला रहे हैं, तो यहाँ के लोग इस टॉपिक को, इसके बारे में यहाँ की जनता भी जाने, इसलिए मैंने मैंने बोला कि नहीं मैं यहाँ प्रमोशन करने के लिए भैया के साथ मैं तैयार हो गई। ओके, निश्चित रूप से बहुत गुड़ विषय है, इसे सबको समझने की ज़रूरत है। साथ ही फिल्म देखने के बाद प्रतिघात आपने बनाई, लगातार इस प्रयास में रहते हैं आपकी जो कलाकार हैं, जो उनके अंदर कला है वह निखरे, फिल्म के रूप में सामने आवे। आपके पास जब यह बात आई यहाँ प्रमोशन करने की, मैं तो हर वो निर्माता निर्देशक जो एक समाज को पॉजिटिव मैसेज देने के लिए आगे आएंगे, उनको सबके साथ हमारी उदारता, हमारा निमंत्रण होगा। मैं चाहता हूँ कि फिल्मों की दशा और दिशा सुधरे। मेरी ख्वाहिश है कि हमारे झारखंड के, यहाँ के संस्कृति को, यहाँ के रहन सहन, यहाँ के लोकेशंस को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाए कोई, तो ऐसे हर लोगों को मैं स्वागत करूँगा। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई, मैं बहुत प्रभावित हुआ जो ये सब्जेक्ट अवनीश सिंह जी ने चुना, सफाईबाज। खैर, वातावरण बदला है, कभी जिनको हम कचरा वाले समय कहते थे आज सफाई वाले कहते हैं, इतना तो परिवर्तन हुआ है। पिछले सरकार ने ऐसी कोशिश की है एक अभियान के तहत, और समाज के ये अंतिम व्यक्ति के लिए एक प्लेटफॉर्म देना, लोगों के बीच में ला के उनकी स्थिति को, उनके अवस्था को प्रस्तुत करना, ये हमारे लिए, हमारे नज़र में बहुत मायने रखता है। मैं गढ़वा जिला झारखंड फिल्म निर्माता संघ अध्यक्ष भी हूँ, इसलिए मेरी जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाले लोग, समाज को नई दिशा दशा देने वाले लोगों को मैं स्वागत करूँ, उनका उत्साह वर्धन करूँ। और बात मनोज पंडित, अनीता पंडित की होगी, तो ये मेरे सगे भाई जैसा हैं, ऐसा स्नेह हमको शुरू से ही दिया है, तो मैं इनकी प्रोन्नति भी चाहूँगा, इनका प्रमोशन भी चाहूँगा। हमारी कोशिश है कि गढ़वा के लोग, यहाँ के लोकल लोग, झारखंड में भी फिल्म सिटी का आगाज़ हुआ, यूपी में भी हुआ, जो बम्बई नहीं जा सकते हैं, जो संघर्ष नहीं कर सकते हैं, वैसे लोगों को मैं प्लेटफॉर्म मुहैया करूँ, मेरे द्वारा उन्हें प्लेटफॉर्म मिले और वो हिंदुस्तान के बल्कि विश्व स्तर पर उन्हें ख्याति मिले, उनके अभिनय के को लोग देखें, सराहें। ऐसा बहुत सारा टैलेंट है जो मौका नहीं मिलने के बाद, प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के चलते वो विलुप्त हो जाता है। हाँ, यूं कहें कि भाई वो कहीं कुछ दिखाने से पहले ही बुझ जाता है दिया, अपना जौहर कला दिखा नहीं पाता है। वैसे लोगों के साथ हमारी सहानुभूति है, हमारी कोशिश है कि वैसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाएं और उनका उत्साह वर्धन करें। बाकी थोड़ा प्रमोशन हो जाने से उनको बल मिलेगा। हमारे साथ उदाहरण है कि गढ़वा में ही पढ़े बढ़े मनोज पंडित, आज हमको राष्ट्रीय स्तर पर इनका सुनने को मिल रहा है, इनके गुणगान, इनकी ख्याति बढ़ रही है, मुझे बहुत खुशी है। मैं शुभकामना दूंगा मनोज पंडित, अनीता पंडित को कि निरंतर उनको प्रोन्नति मिले, वो एक अच्छे कलाकार होने के साथ, एक अच्छे अभिनेता होने के साथ, एक सहृदय व्यक्तित्व भी हैं जो मुझे काफ़ी प्रिय हैं। मैं हमेशा अपनी पत्नी किरण गुप्ता, प्रतिघात फिल्म में इन्होंने भी अपना कैरेक्टर दिया है और पहली बार फिल्म में आई नायक की माँ के रोल में, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हम दोनों की तरफ से मनोज पंडित और एक अवनीश सिंह जी जो नई सोच के साथ समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए प्रयास किए, सफाईबाज फिल्म बना के, उस दोनों को शुभकामना देता हूँ।
मैं इस किरदार को उजागर करने वाले, इस किरदार को अहम अहमियत देने वाले दोनों को मैं सलाम करता हूँ। उनको हमारी संवेदनाएँ, हमारी हार्दिक शुभकामनाएँ उनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम आपने फिल्म के बारे में भी जान लिया कुछ हद तक। ज़्यादा मीडिया में बात किसी फिल्म की कहानी की नहीं आनी चाहिए, क्योंकि फिल्म देखना आपको जरूरी है। अगर बात करें हम इस सफाईबाज फिल्म की, बहुत अच्छा विषय है, बहुत ऐसा विषय है जिसके बारे में जानना आपको जरूरी है कि किस तरह उनके साथ भेदभाव होता है, सफाई करने वालों के साथ किस तरह उनके साथ गलत व्यवहार भी होता है, उन्हें सुविधा नहीं दी जाती है। तो ऐसे विषयों पर ऐसे पॉजिटिव सोच के साथ फिल्म बनाया गया है, तो हम चाहेंगे कि यह फिल्म जो है सफाईबाज बॉक्स ऑफिस पर परवाज करे। आशुतोष रंजन, दास न्यूज, गढ़वा।